हार्दिक भाई जितनी कैप्टेंसी करनी है आईपीएल में ही कर लो, क्योंकि अब शिवम दुबे आ गया है आपकी जगह खाने, और वो भी T20 वर्ल्ड कप के लिए। रोहित भाई को तो वैसे ही परेशान कर रखा है इधर उधर बाउंड्री पे घुमाने के चक्कर में, इन चीजों की वजह से वैसे ही अपने हिटमैन को गुस्सा आ रहा होगा। और अब दुबे की ऐसी इनिंग्स देख के रोहित भाई ने पक्का आपका नाम T20 वर्ल्ड कप के लिए पानी पिलाने वालों की लिस्ट में ही डाला होगा। CSK वर्सेस GT का मैच, और जैसा कि तुम्हारे भाई ने प्रेडिक्ट किया था CSK मैच जीत गई। मैंने तो भाई पहले ही कहा था मेरी बात पे भरोसा करो, अब मानते हो कि नहीं कि मैं सही प्रेडिक्शंस दे रहा हूं। भाई ये शिवम दुबे पेसर्स को तो छोड़ता नहीं है और स्पिनर्स को तो कच्चा चबा जाता है। इस बार तो इसने हद ही कर दी भाई, नारियल पानी पीने वाले के सारे प्लान्स को फेल कर दिया। हमें लगता था भाई फुटवर्क इसकी वीकनेस है, लेकिन देखते ही हर बॉलर की वीकनेस एक्सपोज करे जा रहा है, और वो ये खुद है। व्हाट एन इनिंग्स भाई, 221 का स्ट्राइक रेट, 5 सिक्सेस और 20-22 बॉल में 50 भी कम्प्लीट कर ली अपनी। बंदे ने GT के पूरे बॉलिंग लाइनअप को तोड़ के रख दिया था। स्पिनर्स के अगेंस्ट तो खौफ ऐसा बनाया है कि किसी कैप्टन में हिम्मत नहीं है कि स्पिनर लगा दे इसके सामने। हाँ माना विकेट स्पिनर ने ही ली, राशिद खान ने ली, लेकिन तब तक डैमेज कर चुका था भाई ये, और क्लियरली दिख रहा था कि उन्होंने राशिद को रोक के रखा हुआ है कि भाई इसके सामने नहीं करने देंगे इसको बॉलिंग। इसके ऐसे मॉन्स्टर सिक्सेस की वजह से बेचारे बाउंड्री पे बैठे बॉल बॉयज को भी हेलमेट डालना पड़ रहा है। मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है जिस फॉर्म में ये है वर्ल्ड कप तो लेके जाना ही पड़ेगा। ऊपर से CSK के लिए कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका है, रायना की जगह लिए इस बंदे ने, और उसी कमिटमेंट से निभा रहा है। भाई अगर ये इतना ही अच्छा खेलता रहा तो ना इस सीजन हम थाला की बैटिंग देख पाएंगे और ना ही वर्ल्ड कप में पांड्या को। पूरा परिवार डर रहा यार, मौत से इसको डर नहीं लगता, मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। और मैं तो बोलूंगा माही भाई थोड़ी सी बॉलिंग भी ना करवा ही लो इससे अब। सॉरी ये तो ऋतुराज को बोलना है ना, पर डिसीजन तो थाला ही लेंगे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वैसे मैं सोच रहा था कि हम वर्ल्ड कप के लिए भी कीपर ढूंढ ही रहे हैं, और बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, कहां से लग रहा है भाई ये उड़ता हुआ माही 42 इयर्स का। सही कहा है भाई किसी ने, एज जस्ट नंबर फॉर थाला। मुझे कोई ऐसी डाइव रस्सियों के साथ भी लगाने को बोलेगा ना विद अ डाइविंग मैट्रेस नीचे, ये सोच के ही मेरे को इंजरी हो जाएगी। और ये 42 साल के स्ट्रॉबेरी फार्मर को देख लो, लोग चीता बोल रहे हैं। खैर हम तो एज फैंस बस उम्मीद में ही रह जाते हैं कि फील्डिंग के अलावा थोड़ी सी बैटिंग भी दिख जाए थाला की। 2 मैच हो गए, 2 बॉल नहीं खेली गई अभी तक। CSK की बैटिंग के टाइम पे बैट्समैन से ज्यादा कैमरा तो भाई थाला पे होता है ड्रेसिंग रूम में, वो खिड़की से दिखाई दे रहे होते, कभी खाना खा रहे, कभी बैट घुमा रहे, वही नेट प्रैक्टिस चल रही है इनकी। पर सच तो यही है भाई, कितना भी कैमरा उनकी तरफ घुमा लो वो नहीं आने वाले बैटिंग करने। अरे आप भी तो आइए, हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम अंतिम में आएंगे। मोटा भाई आप इतना स्क्रिप्ट करते रहते हो, अगले मैच में करो ना CSK को 12-6। आए थाला बैटिंग करने, मजा हमें भी आए देखने में, तब तो मैं मानूंगा ना भाई कि आपके हाथ में भी कोई जादू है। वैसे अभी जो रीसेंट IPL का शेड्यूल निकल के आया है उसको देख के तो लग रहा है परफेक्ट स्क्रिप्ट एक बार फिर से लिखी जा चुकी है थाला की रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। फाइनल को चेपॉक में जो रख दिया है, और तुम्हें तो पता ही है वहां कौन जीतता है। इसी टॉपिक पे RCB और CSK फैंस के लिए एक रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे, @PahulAlia मेरा ID है, वहां जाके फॉलो कर लेना, 100K कराने भाई वहां पे भी। ऋतुराज वर्सेस शुभमन गिल पहली बार हुआ और ऋतु ने फुल्ली डोमिनेट किया, वेदर इन टर्म्स ऑफ बैटिंग हो या कैप्टेंसी हो या फिर इवन रिमेम्बरिंग थिंग्स। रोहित भाई की संगत का पूरा असर दिख रहा है शुभमन पे, टॉस पे जाते ही भूल गए कि लेना क्या है, बैटिंग या बोलिंग। भाई जैसी परफॉर्मेंस इनकी आ जाइए ना, इनको स्ट्रेस लेने की ज्यादा जरूरत है। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा, आप जा, आप काम कर, आप काम कर। बहुत फनी वीडियो थी भाई, अगर तुमने टॉस मिस कर दिया था तो मेरे टेलीग्राम पे जाके देख लेना, ये वीडियो अपलोडेड है। वैसे भी आजकल पता नहीं कौन फ्रॉड लोग हैं जो मेरे टेलीग्राम की भी कॉपीज बनाने लग गए हैं। मेरा भाई ये ओरिजिनल टेलीग्राम है जिसपे अभी 38K फॉलोअर्स चल रहे हैं, और तुम जाके उसको अभी बढ़ा दोगे, फटाफट चले जाओ और किसी को ज्वाइन मत कर लेना, और अगर कर रखा है तो उसको प्लीज छोड़ दो, वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। देखो दुबे ने तो संभाला ही, लेकिन ऑल इन ऑल न्यूजीलैंड सुपर किंग्स की बैटिंग बहुत अच्छी थी, वो भी रचिन रविंद्र की वजह से। शर्म आ जानी चाहिए बाकी 9 IPL टीमों को जिसने इस बंदे को सिर्फ 1.8 करोड़ का CSK को जाने दिया। सो रहे थे क्या भाई जब ये ऑक्शन में आया था, अभी देखो कैसे पेल रहा है बॉलर्स को, पावर प्ले में सारा कॉन्फिडेंस तोड़ देता है सामने वाली टीम का।
बुरा लगा भाई, वेल डिजर्व 50 रह गई इसकी। मैं तो सोच रहा हूँ कॉनवे वापस आएगा तो वो उसको पहचानने से इनकार कर देंगे, यही इतना अच्छा खेल रहा है, अपने ही न्यूजीलैंड वाले भाई की जॉब खा गया। आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है, आपके पास नंबर आया कैसे? बेचारी गुजरात की बॉलिंग, पहले रचिन और गायकवाड़ ने पेला, फिर दुबे और रिजवी ने आके बची खुची इज्जत भी उतार दी। इससे याद आया, ओह माय गॉड, कौन है ये समीर रिजवी और क्या है ये भाई, इसको डर नहीं लगता क्या? तुम ये सुनो भाई, रिजवी ने डेब्यू पे पहली बॉल पे आके सिक्स मारा, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर रिजवी ने डेब्यू पे पहली बॉल पे आके राशिद खान को सिक्स मारा, बहुत बड़ी बात है ये भाई साहब, मजाक नहीं है, बड़े बड़े डर जाते हैं उसके सामने। और इसने तो एक नहीं दो दो बारी मार दिए, बॉल्स लेके सेटल होना ये तो इसकी डिक्शनरी में कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। इसकी पांच बॉलें देख के ऑलरेडी लग रहा है कि ये सीजन फोड़ने वाला है, तब भी शायद सीएसके ने इतना महंगा खरीदा है भाई, कूडोस टू द स्काउटिंग टीम। 8.5 करोड़ में 5 बॉल में 14 रन आ गए, वो भी पहले ही मैच में, और वहां एक फ्रेंचाइज है जिसका 17.5 करोड़ का प्लेयर 10 रन भी नहीं बना पा रहा। सीएसके की बॉलिंग काफी अच्छी लगी, तुषार देशपांडे को फाइनली समझ आ गया कि भाई पर्पल कैप के लिए खेलना होता है बॉलर्स को, ऑरेंज कैप के लिए नहीं। पर मुझे इस समय ये समझ नहीं आ रहा कि ये शार्दुल को बेंच पे कैसे वेस्ट होने दे रहे हैं। भाई माना इस समय सीएसके की बॉलिंग काफी स्टैक्ड अप है, चहर, मुस्तफिजुर ये सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पर आई डोंट थिंक जिस लेवल का बॉलर शार्दुल है उसको तुम वेस्ट कर सकते हो इम्पैक्ट प्लेयर्स में डाल के। आई रियली होप शार्दुल को और खेलने को मिले। वैसे इस मैच के बाद ये सीएसके हेयर सलून वाला मीम काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, तो तुम देख लो, मेरे लिए उतना रिलेटेबल नहीं है तो सिर्फ तुम्हारे लिए डाल दिया, फनी तो है। जीटी की तरफ से साई सुदर्शन ने टेक्निकली स्लो खेला, बट बाकियों के सामने तो भाई बहुत ही अच्छा खेल गया बंदा, एटलीस्ट उसको याद तो था कि रन भी बनाने होते हैं। शुमन भाई तो आज वो भी भूल गए थे, ससुर जी के अगेंस्ट मैच जो नहीं था, और फील्डिंग तो बहुत ही वाहियात कर रहे थे भाई, पाकिस्तान की टीम लग रही थी। 3 कैचेस ड्रॉप कर दी और इतने मिस फील्ड्स, एक पॉइंट पे जब 70-80 रन चाहिए थे 30 बॉलों में, मैंने अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पे बोल दिया था कि आज राहुल तेवतिया के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है T20 वर्ल्ड कप का ऑडिशन देने के लिए, पर भाई का मन था कि उसकी सिलेक्शन इंडिया की अगली टेस्ट सीरीज के लिए हो जाए। इनका पूरा मिडिल ऑर्डर एकदम यूजलेस था भाई, अच्छी सी चीज हो सकती थी और गुड़ गोबर कराए। विजय शंकर की तरफ तो इस साल देखना भी मत, ये T20 वर्ल्ड कप वाला ईयर है, ODI वर्ल्ड कप वाला होता ना तो अभी 60 रन मार रखे होते 22 बॉलों में, आसान है गाइस, याद रख लो। विजय शंकर ODI वर्ल्ड कप के टाइम चलता है, DK भाई T20 वर्ल्ड कप के, और सूर्या भाई जरूरत आने पे कभी भी नहीं, भूला नहीं और भूलने दूंगा भी नहीं। गुजरात का इन जनरल जोश काफी ठंडा था इस मैच में, प्लेयर्स उतने कॉन्फिडेंट लग ही नहीं रहे थे और कोई प्लान्स वर्क नहीं कर रहे थे। ऑब्वियसली भाई सीएसके के सामने तो मोटा भाई की स्क्रिप्टिंग भी फेल हो जाए। वैसे मैं तो कहूंगा नेहरा जी, आप बस प्लेयर्स को हर मैच से पहले बता दिया करो कि हार्दिक पांडे की फेवरेट टीम है, फिर देखो कैसे परफॉर्मेंस निकलती है। अभी जैसे मुंबई को हराया वो वाला जोश था ही नहीं इस बार। बट ऑन अ सीरियस नोट, मैंने तुम लोग को पहले ही कहा था, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई जीटी का बैलेंस थोड़ा सा हिला हुआ है इस समय। मुंबई ने भी पिछला मैच हार्दिक की वजह से बॉटल कर दिया था, वरना वो काफी कंफर्टेबल पोजीशन में थे और आराम से जीत जाते। इनके मिडिल ऑर्डर में वो जो सॉलिड हिटर हुआ करता था वो अब नहीं है, और इनका लीड पेस बॉलर भी नहीं है इनके पास। मिलर, शंकर, तेवतिया इन पे भरोसा नहीं कर सकते, ये हर मैच में नहीं चल सकते तुम्हारे लिए। एंड इनका प्लान टू रिप्लेस हार्दिक विद उमरजई वो भी उतना खास लग नहीं रहा है। मेहनत तो लगेगी नेहरा जी को, बाकी देखते हैं क्या होगा। अब आज है मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, वो भी सनराइजर्स हैदराबाद के होम ग्राउंड पे। ये मैंने तुम लोग को इसलिए बताया क्योंकि अभी तक जो भी टीम्स अपने होम ग्राउंड पे पहला मैच खेली है वो जीती है, तो लग रहा है भाई कि कैप्टन पांड्या को दूसरा झटका भी लगने वाला है एक ही हफ्ते में, फिर गुस्से में आउट होके भगवान को देख रहे होंगे ऊपर। अभी MI फैंस के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर ये तुम डिसाइड करना, मैं तुम्हें अपनी तरफ से विनर बता सकता हूँ। मेरी प्रेडिक्शन है कि भाई हैदराबादी ये मैच जीतने वाली है, और मैं इस प्रेडिक्शन के बाद रोहित भाई की तरफ से काव्या को एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। बाकी देखो मैंने अब अपना कंसिस्टेंसी मोड ऑन कर लिया है, रोज वीडियोज आ रही है, तो तुम्हारा काम है अब सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियोज को, एंड इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। is a quality player, नीचे जो आके बड़ी हिटे मार सकता है। कौवा कौवा आई होप ही वो सुन नहीं रहा हो ये सब। नहीं कोई बात नहीं, सुन भी रहा हो तो भाई अपना। हाँ बिल्कुल, बट ये नाम उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पता नहीं, छोड़ो बज्जुआ यार, वो उसका मैसेज आ जाएगा मुझे।